झारखंड को 24 नए आईपीएस मिले हैं। ये राज्य में डीएसपी के तौर पर तैनात थे और इन्हें हाल में संघ लोक सेवा आयोग ने आईपीएस में प्रोन्नति दी है। इन अधिकारियों को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को आयोजित एक कार्यक्रम में आईपीएस का बैच लगाया। इनमें से 6 अफसरों को 2017, 12 को 2019 और 6 को 2020 बैच अलॉट किया गया है। पीएम ने इस मौके पर उम्मीद जताई कि राज्य में आईपीएस की संख्या बढ़ने से विधि व्यवस्था बेहतर और अपराधों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी। बहुत खुशी लग रहा है, ये मेरे लिए बहुत ही सर्विस करियर का ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन है आज। बहुत खुशी लग रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जब मैं कोर्स की शुरुआत पुलिस में की, उस समय हमारे ऑनरेबल बाबा सिंह सोरेन ने मुझे इंस्पायर किया था स्पोर्ट्स में। और आज माननीय का बेटा माननीय की टीम और हमारे जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, सब लोगों का सहयोग से आज हमें ये दिन मिला है देखने के लिए और ये महसूस करने के लिए। तो आज हमारे बहुत खुशी हुआ। नहीं, मैं कभी सोची नहीं थी कि आईपीएस तक भी आऊंगी, लेकिन ये हमारे जो भी शुभचिंतक हमारे वरीय पदाधिकारी ने आज मौका दिया और इस पोजीशन दिया हमें। शुरुआत तो मैं बहुत बता चुकी हूँ। स्पोर्ट्स में शुरुआत की मैं स्कूल से एक सेंटर था हमारे संतोष स्कूल में, वहाँ से मैं शुरुआत की और वहाँ सेंटर हुआ करता था। मैं सेंटर में नहीं थी, 15 अगस्त हुआ था तो उसमें मैं सेंटर की लड़की और मैं एक खाली पैर दौड़ती थी, इस पैक में दौड़ी थी तो उनको मैं पछाड़ दी 200 मीटर खाली पैर। बट कुछ थे वो डेली बोलते थे कि कौन बच्ची है, तो मैं उसी में शुरुआत की खेलने के लिए। और वहाँ से स्कूल से मैं अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।